हमारे साथ प्रदीप गुप्ता जी जुड़ रहे हैं आनंद राठी से। प्रदीप गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। काफी दिनों बाद आपसे बातचीत हो रही है। आपने थोड़ा वजन लूज किया है, आजकल आप फिटनेस पर ज्यादा ध्यान देने लग रहा है। नमस्कार अजय जी। सबसे पहले तो मैं अपने ईटी नाउ स्वदेश के सभी दर्शकों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दूंगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये गुड़ी पड़वा का पर्व है जो कि महाराष्ट्रियन के लिए एक नव वर्ष है, इसी तरह नया संवत जो हिंदी संवत ईयर आज से चालू हो रहा है और एक चेटी चंड का है, तो आई थिंक ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले तो सभी दर्शकों को उसकी शुभकामनाएं, और अजय आपको, प्रियंका और मानजे, आप लोग सभी को भी नववर्ष की शुभकामनाएं। जहां तक आपने कहा नहीं, वेट मेरा मेंटेन रहता है, ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता रहता है, थोड़ा बहुत बहुत ज्यादा नहीं, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेंटेन दैट। या बिल्कुल, ऑफ जब तक कोर्स वो फिटनेस के ऊपर गौर करके और तवज्जो देके है तब ठीक है, स्ट्रेस में नहीं होना चाहिए कम। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बताइए है। कि बाजार पे क्या व्यू बन रहा है आपका? आपने सारे डेटा पॉइंट्स एनालाइज किए होंगे, क्या लग रहा है? एक बार बॉटम बन गया, यहाँ से डाल देना चाहिए पैसा, नया पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, या अभी थोड़ा कॉशियस व्यू है, अभी आपका रुकना चाहिए? अजय, ये बाजार हमेशा दो, मैं हमेशा से बात करता आया हूँ कि दो तरह के वर्क करता है, एक तो सेंटिमेंटल पे वर्क करता है और एक फंडामेंटल पे वर्क करता है। तो जब हम बाजार का फंडामेंटल देखें और मोर स्पेसिफिकली अपने डोमेस्टिक का वे में अपने इंडियन इकोनॉमी की तरफ देखें तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ नजर नहीं आती है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। बट चूंकि शॉर्ट टर्म में और इवन अदरवाइज वर्ल्ड मार्केट को देखें, जो कि हम देख रहे हैं काफी तब्दीलियां आ रही है, काफी कंसर्न्स हैं डिफरेंट डिफरेंट पॉकेट्स में, और अभी भी उन कंसर्न्स का पूरा सा निदान या कोई समाधान नहीं दिख रहा। तो आई थिंक वो जो बाजार में चैलेंजेस हैं इंटरनेशनल मार्केट के, वो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट करते जाते हैं, तो उसका इम्पैक्ट अभी आ रहा है। तो मेरा ये मानना है कि शॉर्ट टर्म में बाजार अप्स एंड डाउन्स में रहेगा और लॉन्ग टर्म में अभी भी यहाँ से बाजार काफी अच्छा करेगा। जहां तक निवेशकों को सलाह की बात है, आई थिंक निवेशकों को इस बाजार में जब भी इस तरह के रिएक्शन है, निवेश जरूर करते रहना चाहिए, क्योंकि निवेश एक ऐसा है जो लंबे समय में देखा जाता है। और यहां से अगर कोई बात करे या कोई सोचे कि बहुत बड़ा ज्यादा लंबा नीचे जाने या डाउनसाइड दिखने का संशय है, वो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से बहुत बड़ा है। हमने काफी अच्छा वॉलेटिल मार्केट पीछे 2-3 बार देखा है, 18,200, 18,900 के सेंसेक्स से, ऑलमोस्ट 17,000 के निफ्टी निफ्टी से, ऑलमोस्ट 17,000 के निफ्टी पे हमने देखा है। तो ये एक उतार चढ़ाव बाजार में सेंटिमेंट्स के बीच में आ रहा है और आता रहेगा। आई थिंक निवेशकों को यही करना चाहिए और सलाह भी यही रहेगी कि जब भी इस तरह के मौके आए जरूर बाजार में निवेश करें, और लंबे समय में इस बाजार में डेफिनेटली, और लंबे समय हमेशा 3 से 5 साल देखना चाहिए, उसमें डेफिनेटली उनको अच्छा रिटर्न देखने को अभी भी मिलेगा। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग प्रदीप, आपको भी इन सभी फेस्टिवल्स की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रदीप, बिल्कुल लंबे नज़रिए के लिए तो फंडामेंटल अच्छे हैं, इंडियन स्टोरी, लॉन्ग टर्म स्टोरी बहुत इंटैक्ट है, लेकिन अभी बाजार की, इंडियन मार्केट्स की मेन चिंताएं क्या है? क्योंकि कुछ हिस्टोरिक ट्रेंड्स को हम देख रहे थे कि GDP जब जब बढ़ा है, और आप चाहे उसी उसी के साथ कॉर्पोरेट अर्निंग्स देखे, मार्केट की ग्रोथ देखे, वो सारी एक टैंडम में चली है। अभी जब बाजार जो लगातार करेक्ट हो रहा है और हम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं एज कम्पेयर टू अदर ओवरसीज मार्केट्स, तो हमारी इंटरनल चिंताएं क्या है? बाहर तो बड़े रिसेशन की चिंताएं हैं, इंडियन मार्केट्स को क्या बड़ी वरीज दिख रही हैं? देखिए, इंडियन मार्केट में लार्जली वरीज हैं जो डोमेस्टिक मार्केट्स का इम्पैक्ट आ रहा है, और अभी अगर अपने देखें तो FII और FDI फ्लो धीरे धीरे अपने आ, 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 कम होते जा रहे हैं। तो उनकी वजह से जब भी FII का या FDI का फ्लो कम होता है तो हमारे बाजार में कॉर्पोरेट की अर्निंग्स में या कॉर्पोरेट में या इन बाजारों में जो पैसा आता है उसमें थोड़ी तब्दीलियां आती है। इसी तरह जो बड़ा जड़ा जो बड़ा था कि हमारे वेज इंक्रीज हुए हैं लोकली डोमेस्टिकली, और जो कि इंटरनेशनल की भी चिंता है, इन्फ्लेशन बढ़ी है जो कि इंटरनेशनली भी चिंता है, बट साइमल्टेनियसली अभी देखें एक बहुत बड़ा चेंज जो देखने को मिल रहा है और जिसका कि इम्पैक्ट आगे देखने को मिलेगा, अभी उन बाजारों पर असर नजर आ रहा है, वो है रॉ मटेरियल प्राइसेस। पिछले समय में रॉ मटेरियल प्राइसेस काफी ऊंची चली गई थी, बट अब धीरे धीरे जो हम देख रहे हैं प्राइसेस वापस नीचे आ रही हैं। तो वो प्राइसेस नीचे आ रहे के कारण जो कॉर्पोरेट की प्रॉफिटेबिलिटी है, मेरा मानना है कि एडजस्ट होगी, और आगे आने वाले समय में प्रोबेबली ये तिमाही नहीं बट अगली तिमाहियों में आई थिंक अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे।
अब दूसरी जो बड़ी चिंता है कि वास्तव में डिमांड का आ, 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 डिमांड होगी कि नहीं होगी, डिमांड आएगी कि नहीं आएगी। तो जब हम इंटरनेशनल मार्केट्स को देखें तो वहां पे तो लगता है कि डिमांड एक कंसर्न है, अभी तक कोई बहुत बड़ी डिमांड आई नहीं है। बट अगर मैं डोमेस्टिक इकोनॉमी और डोमेस्टिक मार्केट्स को देखूं तो जिस हिसाब से हमारे यहाँ पे निवेश हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश हुआ है, जिस हिसाब से हमारे यहाँ पे पीछे रिफॉर्म्स हुए हैं, तो उनकी वजह से मुझे लगता है कि इंटरनल डिमांड स्टिल ठीक रहेगी, वाइब्रेंट रहेगी। और जो स्कीम्स और पॉलिसी मेजर्स किए हैं जो कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी की तरफ हमारे को ले जा रही है, तो आई थिंक ये सारे चीजें एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना शुरू करेगी। हाँ, इसमें थोड़ा समय लगेगा, इसको हम इन बाजारों में देखने में लगेगा, बट जैसा कि हम सब जानते हैं कि इक्विटी बाजार और ये मार्केट जितने भी इन्फॉर्म्ड रहे हैं, जो सही सलाहकार हैं, जो सही समझते हैं, वो उसको लॉन्ग टर्म में देखते हैं और उसको बाजार को आगे 6 महीने और 6 महीने से आगे को रीड करते हैं, क्योंकि 6 महीने तक के पीरियड के जितने भी डेवलपमेंट हैं जो फंडामेंटल में होने हैं या जो भी रिएक्शंस हैं जो फंडामेंटल के कारण आने हैं, वो इन बाजारों में ऑलमोस्ट डिस्काउंटेड है। गुड मॉर्निंग। डोमेस्टिक मार्केट में इंटरनली डिमांड जो है वो इंटैक्ट रहेगी, कन्विक्शन ये तो आपका हमने जाना, और स्टे इन्वेस्टेड और नए इन्वेस्टमेंट्स भी खोजें ये आपका मंत्र है, लेकिन कौन से सेक्टर्स हैं जिस पर आपका भरोसा बनता है? क्या बैंक्स फाइनेंशियल्स हैं? क्योंकि भारतीय बाजार में अगर देखें बैंक्स फाइनेंशियल्स के हालात जो हैं ग्लोबल सेंटिमेंट से तो बेहतर ही है, या आईटी सेक्टर है, या फिर इंश्योरेंस, क्योंकि बिग ब्रोकरेज फॉरन ब्रोकरेजेस अब आईटी सेक्टर इंश्योरेंस सेक्टर पर बुलिश हैं, या फिर कोई और सेक्टर है जो कि आप वॉचआउट कर रहे हैं? नहीं, आपने बिल्कुल सही फरमाया। आई थिंक हमारे यहाँ पे जो यू नो फाइनेंशियल बैंक एंड फाइनेंशियल सेक्टर है वो अभी तक बहुत ज्यादा यू नो प्ले नहीं किया बाजारों में, और आई थिंक मुझे लगता है उसमें काफी अच्छा रहेगा निवेश करना, क्योंकि इसमें पिछले 2 सालों में बैंकिंग का देखें या फाइनेंशियल सेक्टर में देखें तो काफी तब्दीलियां आई हैं, काफी क्लैरिटी आई है, और जितने भी एनपीए लेवल हैं अभी लोवेस्ट पे हैं, और क्रेडिट ग्रोथ हम देख ही रहे हैं, तो इन सब का एक समावेश इस सेक्टर में आएगा। तो मैं बिल्कुल सलाह करूंगा कि सलाह दूंगा कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में जरूर निवेशकों को देखना चाहिए। इसी तरह आईटी सेक्टर में हमेशा नजर रखनी चाहिए, क्योंकि आईटी आने वाले समय में एक गेम चेंजर है और वो काफी अच्छा रन दे सकता है। इसी तरह चूंकि इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ी कमजोरी है या थोड़ा सा हमें परेशानी है दिमागों में, तो आई थिंक एफएमसीजी सेक्टर एक ऐसा है जो कि हमेशा इस समय ऐसे समय में एक अच्छा रोल प्ले करता है। तो एफएमसीजी इज अनदर सेक्टर विच आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि लोगों को इस तरफ देखना चाहिए। और इसी तरह यू नो इंफ्रास्ट्रक्चर में चूंकि कांस्टेंट हम देख रहे हैं निवेश आता रहेगा, हमारी गवर्नमेंट लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए बात कर रही है और अपना काफी पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रही है, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जरूर हमें इस और देखना चाहिए कि इसमें निवेश करें और इसको अच्छा रिटर्न देने के चांसेस हैं। राइट, प्रदीप, आनंद राठी के इन्वेस्टर तो देश भर में फैले हुए हैं, एक हमें थोड़ा फ्लेवर दीजिए कि किस तरह की क्वेरीज आपको लास्ट 1-1.5 महीने में आई हैं, स्पेशली एचएनआई इन्वेस्टर्स से। क्या इतनी अब जागरूकता आ गई है बड़े इन्वेस्टर्स में कि ये डिप को बाय करने के लिए उत्सुक थे, या थोड़ा कॉशन आ गया था बाजार में और वो कह रहे थे अभी कैश में बैठे हैं, थोड़ा और घटने दो तब लेंगे? जरा इन्वेस्टर सेंटिमेंट का थोड़ा फ्लेवर दीजिए। देखिए, चाहे वो आनंद राठी का इन्वेस्टर हो या कहीं भी हो, इन्वेस्टर बाय लार्ज सेंटिमेंटली हमेशा एक ही तरह बिहेव करता है, और उसमें मैं कहूंगा 90% या 92% इन्वेस्टर तो हमेशा ऐसा बिहेव करते हैं जो ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन में है। तो सभी को एक कंसर्न था कि मार्केट गिर रहा है, सभी को ये कंसर्न था इन्फ्लेशन के कारण और इंटरनेशनल मार्केट्स के कारण हमारे बाजार भी गिर रहे हैं, तो अभी हमको या तो निवेश नहीं करना चाहिए या निवेश निकाल के कहीं रखना चाहिए। हम लगातार ये सलाह देते रहते हैं कि आज की तारीख में निवेश निकालना एक सही बात नहीं है। आपको अगर निवेश करना है, आप लंबे समय के लिए देख रहे हैं, तो लंबे समय में आप निवेश करके रखिए और अपना यहाँ पे धीरे धीरे जब इस तरह की अपॉर्चुनिटी आए तो आपको निवेश करना है तो जरूर इस मार्केट में निवेश करें। तो ये हमेशा कॉन्स्टेंट सलाह हमारी रहती है। तो जो 8 से 10% सेगमेंट है जो वास्तव में इस सलाह पे मानता है या इस सलाह से अपने अपने ध्यान को हमारे साथ समावित करता है या हमारी बातों को समझता है, और वो जो एक इन्फॉर्म्ड निवेशक जिसको कि इस बाजार में हम बोलते हैं, वो हमेशा
इनको एक एज एन अपॉर्चुनिटी लेता है और इस समय जब भी इस तरह के करेक्शन आते हैं, रिएक्शन आते हैं बाजार में, तो निवेश करने को आते हैं। बट हाँ, जैसा मैंने कहा, लार्ज इन्वेस्टर्स जो समझते हैं वो जरूर इस बाजार का फायदा उठाते हैं और निवेश करते हैं। और कई जो लार्ज इन्वेस्टर जो 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 नंबर ऑफ इन्वेस्टर या निवेशक जो नंबर में ज्यादा है, वो हमेशा एक यू नो हार्ड मेंटेलिटी या अपने स्वभाव की वजह से या डर की वजह से हमेशा एक कॉर्नर पे बैठे रहते हैं कि नहीं, मार्केट थोड़ा इंप्रूव होगा या बाजार थोड़ा ठीक लगेगा तभी हम सोचेंगे। एक आखिरी सवाल, मिड कैप स्मॉल कैप इंडियन इन्वेस्टर, तो स्पेशली एक रिटेल इन्वेस्टर HNI मिड कैप स्मॉल कैप में बड़ी अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है, वहां पे क्या आपको वैल्यू नजर आ रही है? क्या वो एक बढ़िया एरिया है इन्वेस्ट करने के लिए, डिप्लॉय करने के लिए फंड्स को 1-2 साल प्लस के होराइजन से? बिल्कुल, आपने एक सही सवाल किया। देखिए, हमारी इकोनॉमी और हमारी कैपिटल मार्केट सारी एक निवेश की तरह देखें या एक ग्रोथ को देखें तो हमारी मिड कैप रिलेटेड इकोनॉमी है। मैक्सिमम कॉर्पोरेट्स मिड कैप है और वहीं पे ज्यादा ग्रोथ के आसार बनते हैं और चांसेस बनते हैं। तो हमारा ये मानना, और आज की तारीख में अगर मैं देखूं तो मिड कैप स्टॉक्स काफी रीजनेबली वैल्यू हुए हैं, तो लोगों को मिड कैप स्टॉक में डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए जहां जहां पे भी वैल्यूएशन इंक्रीज हुआ है। और उसका दूसरा रीजन ये भी है कि अगर हम वास्तव में कॉर्पोरेट ग्रोथ देख रहे हैं और अगर हम वास्तव में जितना भी निवेश गवर्नमेंट की तरफ से या जो नया निवेश का कॉर्पोरेट सेक्टर लेके आ रहे हैं बाय हैविंग ए पॉजिटिव यू नो माइंडसेट फ्रॉम ए फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू, तो मिड कैप सेक्टर डेफिनेटली ज्यादा रिटर्न देगा। तो मिड कैप सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां हम हमेशा सलाह देंगे निवेशकों को कि अपना निवेश जारी रखें और चालू करें। और ये सेक्टर अभी पिछले रिएक्शंस में काफी रीजनेबल वैल्यूएशन पे अभी दिख रहा है, अगर आज के समय में मैं देखूं तो। ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए, अपना व्यू पॉइंट हमसे शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लंबे समय के लिए टाइमिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, टाइम इन द मार्केट इज इम्पॉर्टेंट, जैसे कि बड़े एक्सपर्ट्स भी कहते हैं। तो बाजार में आप बने रहे तभी अच्छे रिटर्न मिलेंगे। ठीक है, पॉकेट्स बहुत सारी हैं जो अट्रैक्टिव दिखती हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप की तो लगातार खैर बात हो भी रही है कि वहां पर वैल्यूएशन क्या अट्रैक्टिव हो गए, बड़ी बड़ी वॉइस आ रही है, ग्रोथ स्टॉक्स पर भी बात हो रही है।